नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। जैसा कि अभी तक आपको पता हो चुका है, अब नया गाइडलाइन जारी किया गया है जिसके तहत अब राशि को घटा दिया गया है। मैं बात करूं तो किसी किसी पे 9 लाख तो 8 लाख 6 लाख ऐसे करके कर दिया गया है। जब आप 102 नंबर पर जाएंगे, अन्य अदर्स में जाएंगे तो 0 रुपया वहाँ पर शो किया है। जिसका प्रोजेक्ट अदर कैटेगरी में है उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो कितना मिलेगा, जो अदर कैटेगरी में है उसका क्या होगा, ये सवाल हमने नोडल पदाधिकारी तिरहुत प्रमंडल से पूछा तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं विस्तार से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अब जो राशि को कमा दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, क्रम संख्या एक पर जाएंगे, बेकरी उत्पाद पाव रोटी पर 9 लाख की राशि कर दिया गया है, आटा सत्तू एवं बेसन पर 8 लाख कर दिया गया है, पशु आहार उत्पादन पर 10 लाख और तेल मिल पर 10 लाख, मसाला उत्पादन पर 8 लाख, 101 सीरियल नंबर पर जाओगे लाह चूड़ी निर्माण 6 लाख रुपया, और 102 पर जाइएगा अन्य अदर्श करके दिया हुआ है 0 रुपया कर दिया गया है। जब मैंने तिरहुत प्रमंडल पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी से बात किया, मैंने कहा कि सर अदर्श कैटेगरी में जो लोग डाला हुआ है उनका क्या होगा। उनका साफ कहना है कि देखिए कि जो लोग जो डाले हैं ना अदर वाले में, अब उनका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है ये तो क्लियर नहीं है। तो कैसे वहाँ पे शो किया जाएगा कि उसका लागत कितना पड़ेगा, कि कितना का रो मटेरियल आएगा, कितना लागत होगा। तो मैंने कहा कि सब बात तो सही है, अब जो किस कैटेगरी में है, जैसे कि यहाँ पर बेकरी उत्पाद का उनको पता था कि चलो 9 लाख के अंदर में आ जाएगा, तेल मिल है तो 10 लाख निर्धारित किया है तो इससे पता होगा कि चलो तेल मिल पर इतना आएगा, लेकिन अब अन्य में कौन पर डाला है नहीं डाला है ये तो पता नहीं चला है। कोई हो सकता है एल्यूमिनियम पर डाला होगा कढ़ाई उद्योग पर, अब उस पर क्या निर्णय लिया जाएगा ये टोटली डिपेंड करता है जिला उद्योग केंद्र। जब आपका DPR बनेगा उसी टाइम आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है और ये निर्धारित किया जाएगा कि कितना लाख रुपया आपको मिलेगा। तो ये मेरा वही उन्होंने कहा कि जिला उद्योग केंद्र में जब DPR बनेगा ना उस समय निर्धारित कर दिया जाएगा। या हो सकता है कि एक और ऑप्शन उन्होंने बताया कि या तो उनको पर्सनली जो अदर वाले हैं उनको प्रोजेक्ट चेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जो उपरोक्त जो प्रोजेक्ट है ना 101, 102 में तो अदर्स है, एक सीरियल नंबर एक से लेकर 101 तक ले जो दिया गया है प्रोजेक्ट, उसको उसी में से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी में से प्रोजेक्ट लेना पड़ेगा। तो उसमें उसका फीस कर दिया जाएगा कि जो उसी में से आप लीजिएगा तो वहाँ तो फीस कर दिया है 6 लाख 8 लाख 10 लाख, समझ रहे हैं। तो हमको लगा कि बात ये सही है। और कुछ मैं आपको जो अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मैं उसको लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस सीखिए अदर्श में नहीं डालिएगा, क्योंकि जो एक से लेकर के 101 तक ले दिया है ना उसी में आप मन लगा करके उसी में काम कीजिए, उसी से लेकर के उसी में से आपको करना है। मेरा ये कहने का मतलब है अदर्श में आप नहीं डालिए, क्योंकि अदर्श में हो सकता है कि वो लोग नहीं भी करें, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के बाद भी ये लोग का हो सकता है कि अभी असमंजस में है, हो सकता है 0 रुपया है तो देगा या नहीं देगा वो तो टोटली उस पर है। अभी जो भी उसको तो जो मर्ज है वो कर रहा है, उसको तो कुछ कहने को वाला कुछ है नहीं क्या। तो इसलिए जो नया वाला है प्लीज़ आप ये गलती नहीं कीजिएगा, आप अदर्श में नहीं डालिएगा। और जो पहले से डाल चुके हैं अदर्श वाले, मैं आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं। आप जिला उद्योग केंद्र में जब आपका सीरियल वाइज ट्रेनिंग जब होगा, हाँ अगर हो सकता है कि आपका ट्रेनिंग भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की बात नहीं है। फिर से आपको कॉल किया जाएगा, मैसेज किया जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, फिर से आप जाइएगा और बारीकी से सब काम होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले है BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा, जो भी टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लॉगो भी लगा रहेगा।